मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपके दरवाजे पर बैंक योजना के तहत जिला कलेक्टर पीयूष समारिया द्वारा नवनिर्मित मुद्रा रथ का लोकार्पण किया गया। यह मुद्रा रथ बैंक आपके द्वार के उद्देश्य के साथ आमजन को उनके घर, गली, मोहल्ले के नजदीक या सार्वजनिक जगह पर एटीएम कार्ड से नगद राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से इस एटीएम वैन में लगी एटीएम मशीन से नगद निकाल कर इसे हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। इस दौरान राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज भार्गव ने बताया कि बैंक द्वारा जिला स्तर पर मुद्रा रथ मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। नागौर जिले की आमजन की सुविधा हेतु क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय नागौर का यह मुद्रा रथ संपूर्ण जिले में घूमकर दूरस्थ स्थानों पर भी आम जनता को घर बैठे एटीएम कार्ड से नगद राशि की निकासी की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। आपका नाम? मैं पंकज भार्गव, राजस्थान मुद्रा ग्रामीण बैंक नागौर में क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। आज हमने नागौर क्षेत्र के लिए एटीएम वैन का शुभारंभ कराया है माननीय कलेक्टर महोदय श्री पीयूष समारिया जी के द्वारा। और ये एटीएम वैन पूरे नागौर जिले में गांव गांव में जाकर के लोगों को घर घर पे कैश उपलब्ध कराएगी। आज के इस समय में जबकि गर्मी सर्दी बरसात में लोगों को अपने घर बैठे एक नकद की सुविधा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि लोग बाग इसके आदत डालें डिजिटल ट्रांजेक्शन की। जैसा कि भारत सरकार भी कह रही है इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी जो गांवों को जागरूक करना है जमाओं के प्रति बैंक की स्कीम्स के प्रति वो भी ये वैन जागरूक करती है। साथ साथ इसमें जब कार्ड के थ्रू लेन देन करते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत 2 लाख तक का कार्ड के ऊपर अलग से एक्सीडेंटल बीमा है उसका भी फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। ये हमारी सर ये रोज कहाँ कहाँ जाएगी क्या इसका कोई बनाया है या जी इसका शेड्यूल है वो हम प्रचारित करते हैं गाँव में हमारी शाखाओं के थ्रू। जैसा कि अभी हमने बनाया हुआ है इस तरह कि किस किस जगह पर कहाँ कहाँ रहेगी पूरे महीने भर का शेड्यूल ये तैयार करके और उसके अनुसार जाती है और उसको हम पहले प्रचार प्रसार करते हैं कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार इसका लाभ ले सकें।